बात हापुड़ की कर लेते तो हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति पर बुलडोजर के जरिए कब्जा हटाया गया। जमीन पर अवैध रूप से ढाबे बनाकर संचालित किए जा रहे थे। कई बार नोटिस देने के बावजूद ढाबे मालिकों ने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया, जिसके बाद एसडीएम गढ़ मुक्तेश्वर के नेतृत्व में प्रशासन मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को पूरी तरीके से ध्वस्त करा देती है। ये गढ़ मुक्तेश्वर में नेशनल हाईवे 9 के किनारे सड़क के नाम से ये ज़मीन है। कुल लगभग 25 बीघा ज़मीन है। इस सरकारी सड़क की ज़मीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए अस्थायी रूप से ढाबे बना लिए गए थे और इन लोगों को लगभग एक माह पूर्व मैंने नोटिस दिया था कि आप लोग इसको हटा लें, ये सरकारी ज़मीन है। न तो इन लोगों के द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया जा सका और न ही इनके द्वारा हटाया जा सका। तो जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आज गढ़ मुक्तेश्वर की राजस्व विभाग की टीम, नगरपालिका की टीम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस अवैध अतिक्रमण को यहां से हटा रही है। मई 2022 के चुनाव के दौरान एक ट्रेंड चला था बुलडोजर और विपक्ष ने इसे खूब जमकर उछाला था, लेकिन आज वही बुलडोजर सत्ता पक्ष में माफियाओं और अवैध कब्जा करने वाले जो हैं उन पर गरज रहा है। इस समय हम लोग जनपद हापुड़ में मौजूद हैं और जनपद हापुड़ में शासन के आदेश के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और यहां पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पर कब्जा यहां पर हुआ था और इस ज़मीन की कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 36 बीघा के आसपास ये ज़मीन है। जब प्रशासन को इसकी जानकारी लगी तो इसका नोटिस भी जो यहाँ पर लोग थे उनको दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से अपना जो अतिक्रमण जो था उसको नहीं हटाया गया, जिसके बाद जो है वो हापुड़ प्रशासन की तरफ से गढ़ मुक्तेश्वर के उपजिलाधिकारी अरविंद द्विवेदी के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और यहां पर बड़ी संख्या में संबंधित प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है। और देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इतने सालों से यहां पर अतिक्रमण चल रहा था तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उन तक ये संदेश जरूर पहुंचेगा और बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से गरज रहा है अपने आप में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। रफ्तार मीडिया के लिए हापुड़ से सोनू उपाध्याय की रिपोर्ट।